गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बाहुस चैनल में आपका स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। तो हम लोग हैं इस टाइम दुगड्डा और यहाँ पर पड़ता है एक माता रानी का मंदिर। तो ये मंदिर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस देखिए, मंदिर माता रानी का, यहाँ कोई मूर्ति वगैरह तो नहीं है पर ये गुफा सी है और यहाँ पर माता रानी का भी क्या है मैं तो नहीं जानती है। माता रानी ये यहाँ पर ज्योत लगी हुई है। तो जय माता दी। ये कितनी छोटी सी गुफा सी है ये। तो यहीं पर एक ये शिवलिंग है, यहाँ पर हमने जल चढ़ा दिया है। यहाँ नीचे नदी बहती है, कितना अच्छा जा रहा है, पानी की आवाज भी आ रही है यहाँ पे बहुत तेज। देखिए ये मंदिर भी काफी फेमस है, यहाँ पर भी लोग खूब आते हैं। कोटद्वार से ऊपर पड़ता है दुगड्डा। तो ये सीढ़ियाँ तो यहाँ भी हैं, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो गाइस यहाँ पर नारियल और एक गुड़ की भेंटी होती है, इसको यहीं तोड़कर मंदिर में तब लेके जाया जाता है। तो ये है पौराणिक सिद्धपीठ श्री सिद्धवलि धाम कोटद्वार। तो ये सब लोग भक्तजन बैठ के यहाँ हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। भीड़ काफी है यहाँ पर और अभी सुबह का ही टाइम है, 8 बजे का टाइम है ये। तो यहाँ पर चुन्नी बांधी जाती है, किसी की कोई मनोकामना होती है तो वो चुन्नी बांध के जाता है, फिर जब पूरी हो जाती है तो वो चुन्नी खोल देते हैं आगे। अंदर धूपबत्ती वगैरह नहीं लगाने देते तो धूपबत्ती यहाँ बाहर ही लगाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर और है, यहाँ पर शंकर जी की फोटो है और शिवलिंग है और इधर नंदी भगवान जी हैं और यहाँ पर है श्री गुरु गोरखनाथ जी की फोटो। तो ये जल ना यहाँ से जाके और यहाँ शिवलिंग पे जाता है। वाइट है ये, क्रिस्टल का होता है शायद, काय का होता है ये शिवलिंग, क्रिस्टल वगैरह। जी नंदी भगवान जी से कुछ मांग रहा है, बोल रहा है मम्मी मैं इसके कान में बोल देता हूँ। तो इधर है शनिदेव जी का मंदिर। तो ये है पीपल का वृक्ष और इधर है शनिदेव जी की फोटो। तो यहाँ पर दीपक वगैरह जला रहे हैं। गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया, तेज हवाएं चल रही हैं और बादल भी हो रहा है। हम इधर जा रहे हैं, इधर भंडारा होता है, हम भंडारे की साइड जा रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रसाद वगैरह मिलेगा। यहाँ पर भंडारा चल रहा है, एक भंडारा इधर भी है और दूसरी साइड पर भी भंडारा है, वो टेंट लगा हुआ है। तो देखते हैं प्रसाद में क्या क्या मिलता है। तो जी प्रसाद में मिला है पूड़ी और हलवा है, आलू की सब्जी और सीताफल। देखिए बहुत भीड़ होती है, कितने लोग यहाँ पर प्रसाद के लिए, और अभी तो सवेरे का ही टाइम है तो अभी तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो गाइस दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं और हम नीचे ग्राउंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी ठीक है, कमरे वगैरह हैं और नीचे नदी है। तो बारिश हो गई है तो बच्चे नहाने का प्लान था वो तो कैंसिल हो चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब छुट्टी का आनंद हुआ और इतनी गर्मी से बाहर निकले, बहुत गर्मी हो रही थी कई रोज से, तो बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा।